विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बदायूं में भी राजनीति का पारा चढ़ चुका है। सभी दल अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। ऐसे में दातागंज विधानसभा की बात की जाए तो वर्तमान में वहां से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इससे पहले दो बार बीएसपी का वहां से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में आज दातागंज विधानसभा में बीएसपी की एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है और ये रैली बीएसपी प्रत्याशी रचित गुप्ता के नेतृत्व में पूरे विधानसभा से लगभग 2000 मोटरसाइकिलों से निकाली जा रही है। वहीं हमारे सहयोगी विजय ने 117 विधानसभा प्रत्याशी से बात की, आप भी सुनिए। आप मेरे पीछे देखिए, पूरा जल सैलाब आ रहा है। मुझे विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब विधायक बनने जा रहा है सर। रोजगार दूंगा मैं अपने हर एक बेरोजगार को, अपने युवा को। अमरोहा में अवैध पशु कटान नहीं रुक रहा है। दरअसल सैद नगली थाना क्षेत्र के जंगलों में लगातार पशु कटान हो रहा है। आपको बता दें कि जंगलों में पशुओं के अवशेष मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर स्थानीय पुलिस भी कुछ बोलने से बच रही है। ऐसे में पशु कटान के बाद मिल रहे अवशेषों से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, पूरा मामला सैद नगली थाना क्षेत्र के ढक्का के जंगलों का बताया जा रहा है। बलिया में आज 3 नए कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं बलिया सीएमओ ने बताया है कि बलिया में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें एक सहतवार ब्लॉक और एक बेलहरी ब्लॉक और एक नगरा ब्लॉक का मामला बताया जा रहा है, जहां तीनों कोरोना पॉजिटिव केस को ट्रेस कर लिया गया है, जिसमें से एक केस जनपद में नहीं है। वहीं जनपद में दोनों कोरोना पॉजिटिव को होम आइसोलेट कर दिया गया है। कल की तारीख में बलिया में 3 मरीज पॉजिटिव आए हैं, उसमें एक सहतवार ब्लॉक का है, एक बेलहरी का और एक नगरा का। तीनों मरीज ट्रेस हो गए हैं, एक उसमें जनपद में नहीं है, बाकी दोनों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सब पूरी हो गई है। इन लोगों को कहाँ रखा गया है सर, मरीजों को? अभी तो सब होम आइसोलेशन में है। आरआर की टीम देख चुकी है, उसमें अगर किसी को दिक्कत होगी तो हमारा बसंतपुर अस्पताल तैयार है, डॉक्टरों की टीम लग चुकी है वहां पे, तो वहां भर्ती करा दी। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में दारोगा की मौत हो गई, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पुलिस लाइन की बैरक में मौत से स्टाफ में दहशत फैल गई है। साथ ही जैसे ही दारोगा की मौत की खबर परिवार को पता चली तो परिवार में भी कोहराम मच गया। शहर कोतवाली के पुलिस लाइन का पूरा मामला है। रामनगर हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर कालाढूंगी थाने के पास कमोला गांव में सड़क हादसे में 2 बीजेपी नेताओं की दर्दनाक मौत होने से क्षेत्र में गम का माहौल है। आपको बता दें कि कोटाबाग मंडल महामंत्री जगदीश गुरो और सुमित चौहान बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा से शाम के समय वापस अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान दोनों नेताओं की रोडवेज बस से भिड़ंत हो जाने से ये पूरा दर्दनाक हादसा हो गया। इस सड़क हादसे पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने भी शोक व्यक्त किया है। एक रोडवेज की बस हल्द्वानी से रामनगर की तरफ जा रही थी तथा रामनगर से 2 कार और एक मोटरसाइकिल हल्द्वानी की तरफ को आ रहे थे। 16:40 बजे करीब कमोला के पास ये आपस में भिड़ गए, जिसमें मौके पर ही 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। फरुखाबाद में समाधान दिवस में की गई शिकायत की जांच करने पहुंची एसडीएमओ थाना अध्यक्ष के सामने ही जमकर लाठी डंडे और पथराव हो गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों के बीच बचाव में थाना अध्यक्ष
चोटिल हो गए, जबकि हंगामा और पथराव होने पर एसडीएम ने अपनी गाड़ी में घुसकर खुद को सुरक्षित किया। पुलिस ने मौके से लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। दरअसल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला हुसा निवासी रामपाल ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह से शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि उन्होंने 6 डिसिमल का बैनामा राम लड़ते से को विगत वर्ष किया था और ऐसे में डीएम के आदेश पर एसडीएम अमृतपुर प्रीति तिवारी और थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुनील परिहार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे और कब्जा की गई जगह से झोपड़ी को हटाने के निर्देश दिए थे, जिस पर ये पूरा विवाद शुरू हो गया और ग्रामीण एक दूसरे पर हमलावर हो गए। रामपाल ने अपना जगह इसको बेची थी 13 अच्छा, अब कब्जा किया 21 फुट। अच्छा, बस क्या यहाँ पे जो रास्ता निकली हुई थी क्या? जी हाँ, रास्ता अच्छा। निकास थी, अपने रामपाल ने अपने लिए रखा था। हाँ, रामपाल ससुराल चले गए, इसने झोपड़ी डाल ली इन्होंने। अच्छा, तो पूरी जगह पर इसने कब्जा कर लिया। जी, तो राजस्व विभाग की टीम एसडीएम महोदया और लोग जो आए थे वो कब्जा हटवाने आए थे। कब्जा जो इसने किया था वही एक आगे तेरा जो है अपना भाई ले लो तुम। तहसील अमृतपुर में प्राप्त प्रार्थना पत्र का तत्काल निस्तारण किए जाने हेतु ग्राम नगला हुसा में हल्का लेखपाल तथा अमृतपुर थाने के पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को हटाने के लिए एसडीएम तहसील अमृतपुर के निर्देशन में मौके पर अवैध कब्जेदारों से जब हटवा रहे थे उसी समय राम लड़ते रमेश प्रदीप नीतू सुनीता वीरवती विवेक आदि के द्वारा विरोध करते हुए टीम पर हमला बोल दिया गया।